بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو اب تک پیدا فرمایا ہے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس لوگ قابل احترام شخصیات وہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے پیغمبروں کی ذات ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ, بلا کسی تفریق کے تمام نبی, تمام انبیاء, تمام رسول قابل احترام ہیں. اور پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں میں بھی ایک رسول پر دوسرے رسول کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. تمام انبیاء قابل احترام ہیں, تمام رسول قابل احترام ہیں, لیکن ان تمام انبیاء میں, ان تمام رسولوں میں سید الرسل, تمام رسولوں کے سردار, تمام انبیاء کے سردار, بلکہ اولاد آدم کے سردار, اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار ہوں. تمام انبیاء میں, تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل ذات وہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اگر آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں, پڑھیں, اللہ تبارک و تعالی نے کئی نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے اور ان کا نام بھی لیا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیا ہے, لیکن انداز بالکل جداگانہ ہے اللہ کا,
दूसरे अंबिया का नाम लेने में और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने में। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले नबी सैयदना आदम अलैहि सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने जब उनका नाम लिया तो फरमाया या आदम, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना। सीधा सीधा मुखातबत है, आगे पीछे कोई अल्फाज नहीं है, सीधे नाम लिया अल्लाह ने। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया तो सीधा नाम लिया अल्लाह ने, या नूह। या इब्राहिम, इस तरह के अल्फाज से अल्लाह ने अंबिया अलैहिम सलातु वस्सलाम को मुखातब किया। लेकिन जहां कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया अल्लाह ने, आप गौर कीजिए कि जब अपने महबूब का, अपने हबीब का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया तो वहां पर या मोहम्मद नहीं कहा, जैसे या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या ज़करिया, या यहिया, या ईसा, डायरेक्ट नाम लिया अल्लाह ने, आगे पीछे कोई लकब नहीं लगाया। लेकिन जहां अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो वहां पर यह फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। यहां सिर्फ या मोहम्मद नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि आपके मनसब का तज़किरा फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। दूसरी जगह ये आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। यहां पर भी जब अल्लाह के नबी का नाम लिया वमा मुहम्मदुन मा काना मुहम्मदुन, तो फिर वहां पर फिर अल्लाह ने आपके रसूल होने का तज़किरा फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत को अदब सिखाया, तज़ीम सिखाई कि जब मेरे महबूब का नाम लेना हो तो मैं खुदा कैसे ले रहा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं अपने महबूब का नाम कैसे ले रहा हूं, मैं अपने हबीब का नाम कैसे ले रहा हूं। तज़ीम हमें सिखाई गई, अदब हमें सिखाया गया, और साथ ही साथ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों का भी तज़किरा फरमाया जिन्होंने हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के रसूलों की तौहीन की, उनका मजाक उड़ाया, उनको तकलीफें पहुंचाई, उसका भी तज़किरा अल्लाह ने फरमाया। गोया रोजे अजल से एक तरफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के से मोहब्बत करने वाले, उनको चाहने वाले, उन पर अकीदत के फूल निछावर करने वाले, उनके लिए
جان و مال کی بازیاں لگانے والے بھی موجود رہے اور روز ازل سے انبیاء کا استہزاء کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، توہین کرنے والے، بے ادبیاں کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے بھی شروع سے موجود رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس ہے ان لوگوں پر، حسرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہر آنے والے رسول کا مذاق اڑایا ہے، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، انبیاء علیہم الصلات والسلام کا استہزاء کرنا، انبیاء علیہم الصلات والسلام کی توہین کرنا، یہ دشمنان اسلام کا ابتدا سے شیوا رہا ہے، اور اس میں سب سے آگے، سب سے زیادہ جنہوں نے سبقت ماری ہے وہ یہود ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء کو اذیت پہنچانے والے، انبیاء کو تکلیف پہنچانے والے سب سے زیادہ یہود تھے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، یقتلون النبیین بغیر الحق، ان کا دل تو مذاق اڑانے سے، استہزاء کرنے سے، توہین کرنے سے بھی نہیں بھرتا تھا، انہوں نے تو انبیاء کو قتل تک کیا تھا، انہوں نے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو قتل تک کیا تھا۔ یقتلون النبیین، ایک نبی نہیں، کئی انبیاء کا قتل ہوا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع سے چلتا رہا ہے، اسلام دشمن مخالفین یہ کام ابتدا سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انبیاء کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، قرآن کریم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق، ہمارے پاس جو کچھ ہے، جان ہو، مال ہو، آل ہو، اولاد ہو، جائیداد ہو، جو کچھ ہمارے پاس ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان سب سے زیادہ عزیز تمہارے پاس تمہارے رسول کی ذات ہونا چاہیے۔ جو جو چیز تمہیں عزیز ہے، جن جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے، ان تمام چیزوں کی محبت کم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ تمام چیزوں کی محبت پر آقا دو جہاں سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو، سب سے زیادہ محبت اپنے رسول سے ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہے، نہ مانے، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت تمہیں اپنے نبی کی ذات سے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہارے نزدیک
احب الیہ من والدہ, تمہارے والد سے, وولدہ تمہاری اولاد سے, اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ اگر تمہارے نزدیک میں محبوب نہیں ہوں تو پھر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے, لا یؤمن, تم مومن نہیں ہے. تمہارا ایمان تبھی کامل ہے اور تم سچے مسلمان تبھی ہو جب تمہارے دل میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز اور محبوب میری ذات نہیں بن جاتی, تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا. میرے عزیز بھائیوں, یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے, لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تمسخر, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں بے ادبی موجودہ دور میں ایک شیوا بن گیا ہے. پہلے یہ بیج بویا تھا یورپ میں, آپ کو یاد ہوگا ڈنمارک کے اندر وہاں کے صحافیوں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے تھے. پھر کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرضی تصویریں بنائی تھی, اور پھر یہ مرض یورپ سے ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں آیا, اور پھر یہاں کی حکمران جماعت, اس وقت جو لوگ ہمارے ملک میں رول کر رہے ہیں, انہوں نے وقفے وقفے سے ہمارے نبی کے خلاف حفوات بکنا شروع کیا. میرے عزیز بھائیوں, سلام ہے حیدرآباد کے ان نوجوانوں کو, ہم سلام کرتے ہیں, عقیدت سے سلام کرتے ہیں ان کے جذبے عشق مصطفیٰ کو, محبت رسول کو, ان کے دلوں میں ٹھاکے مارتا رسول کے عشق کو, جنہوں نے 3 دن تک دن رات کی پرواہ کیے بغیر, دن رات کی پرواہ کیے بغیر لاٹھیوں کے بیچ میں بھی, سنسناتے ہوئے پستولوں کے درمیان میں بھی ان کی عشق کی آگ بجھی نہیں. سلام ہے ان نوجوانوں کو, سلام ہے ہر فرد کو جنہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. لیکن کچھ باتیں ہیں جس کو ایسے موقع کے اوپر ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیے, موقع کون سا بھی ہو, ہمارے لیے رہبر قرآن مجید ہے, قرآن مجید ہمیں رہبری کرتا ہے. موقع چاہے کیسا بھی ہو, چاہے وہ میدان جنگ کیوں نہ ہو, وہاں پر ہمیں تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کے بارے میں یہ فرمایا, اتقوا فراسۃ المؤمن, دنیا کو ڈرایا ایمان والے کی فراست, اس کی دانش مندی, اس کی پلاننگ, اس کی منصوبہ بندی سے ڈرو. اتقوا فراسۃ المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ مومن کا مقام بتایا ہے, مومن کی فراست کو کی تعریف کی گئی ہے, اس کی پلاننگ, اس کی منصوبہ بندی کی تعریف کی گئی ہے. یہ جو پیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں, سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ کیا ہے, اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے. ہم جذبات کی رو میں بہتے ہوئے دشمن کے منصوبے کو بھولنا نہیں چاہیے,
जज्बात अपनी जगह काबिले एहतराम है, लेकिन वो जज्बात जिसके साथ जोश भी हो होश भी हो, सिर्फ जोश ना हो इसके साथ होश भी हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जोश हमारी नाकामियों का सबब ना बन जाए, हमारा जोश दुश्मन के मंसूबों को कामयाब ना बना दे, उनकी प्लानिंग में वो कामयाब ना हो। इसीलिए ये जोश ईमानी और इश्क नबवी होना है, लेकिन इस जोश के साथ होश भी हमारे साथ होना चाहिए। पूरे होश के साथ, पूरे मंसूबा बंदी के साथ हमारा यह काम होना चाहिए। जब कभी ऐसे हालात पेश आए, बल्कि जानकार सियासी बसीरत रखने वाले, दूर अंदेशी से मुल्क के हालात का जायजा लेने वाले ये तज़िया कर रहे हैं कि ये रुकने वाले नहीं है, ये हमें बार बार भड़काते रहेंगे, बार बार वरगलाते रहेंगे, हमारा खून खौलाते रहेंगे ताकि हम सड़कों पर आए, हम सड़कों पर आए और फिर हमारे जज्बात बेकाबू हो जाएं। और जज्बात जब बेकाबू हो जाते हैं तो जबान कंट्रोल में नहीं रहती, हमारी जबान कंट्रोल में नहीं रहती। अब जब जबान कंट्रोल में नहीं रहती तो अल्फाज पर काबू खत्म हो जाता है, गिरफ्त खत्म हो जाती है, और जब अल्फाज बेकाबू होकर जुबानों से निकलेंगे तो फिर उसे कानून के दायरे में लाकर तोला जाएगा, उसे कानून के दायरे में लाकर परखा जाएगा कि ये अल्फाज कानून से टकरा तो नहीं रहे हैं, ये अल्फाज कानून के खिलाफ तो नहीं है। इसीलिए जोश जरूर रहे लेकिन पूरे होश के साथ, जज्बा जिंदा रहे लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ कि हम कोई ऐसा काम न करें जो हिंदुस्तान के कानून और आइन के खिलाफ हो और फिर हमें ले जाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिससे दूसरे मुसलमानों का हौसला टूट जाएगा, 25, 50, 100, 200 को ले जाकर जब जेलों में ठोक दिया जाता है तो दूसरे मुसलमानों का हौसला टूट जाता है, दूसरे मुसलमानों का जज्बा सर्द पड़ जाता है। इसीलिए हमको आइन और दस्तूर और हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून के दायरे में रहते हुए इनके मंसूबों को हमको नाकाम करना है, जोश में कोई ऐसा काम नहीं करना है। जोश में बाज मर्तबा नारे निकल जाते हैं, लेकिन वही नारे आज आप इन नेशनल मीडिया को देखिए, हमारे नौजवान बच्चों के लगाए हुए नारों पर बार बार सवालात कर रहे हैं। वो नारा क्या था? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यहां रुककर एक बात समझिए, जज्बे अपनी जगह काबिले एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है सरतन से जुदा का जो नारा है, यकीनन गुस्ताखे रसूल की यही सजा है, मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, जो नबी को गाली देगा, जो नबी की बेहतरामी करेगा, जो नबी की गुस्ताखी करेगा, यकीनन उसकी सजा कत्ल है, लेकिन शर्त के साथ है, वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, वो इस्लामी हुकूमत में है। हमको ये समझना है। देखिए, क्रिमिनल जो एक्ट है इस्लाम का, क्रिमिनल जो कानून है इस्लाम का, जैसे चोर के हाथ काटो, शराबी को कोड़े मारो, जानी को कोड़े मारो, शादीशुदा हो तो संसार करो, कत्ल के बदले कत्ल करो, गुस्ताखे रसूल की गर्दन उड़ाओ, ये सारे कानून जरूर इस्लामी है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि इस्लामी हुकूमत हो। किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह नारे लगाना
इस जमहूरी मुल्क के कानून के खिलाफ है। जरूर इस्लाम का कानून है लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून के खिलाफ है, लिहाजा हमको घसीटेंगे मुल्क के कानून के खिलाफ नारे लगाने पे। हमको मुतालबा जरूर करना है कि हमारे नबी के दुश्मन को, गुस्ताख को, बेअदब को सजा मिले, लेकिन हिंदुस्तान के कानून और आईन के दायरे में हमारे इंडिया के जो कानून है, भारत का जो दस्तूर है, उस दस्तूर में एहतराम का, एक दूसरे के लिहाज का जो कानून है, उस दायरे में उसको खींचना चाहिए हमको, ना कि वो नारे लगाना चाहिए जो किसी इस्लामी मुल्क में लगाए जा सकते हैं। इसको, इस फर्क को समझो, इस फर्क को हमें समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि जोश में ये नारे लगाएं और 100-200 नौजवानों पर मुकदमात में उन्हें घसीट दिया जाए। जोश के साथ होश, जोश के साथ प्लानिंग, जोश के साथ मंसूबे होना चाहिए। यह दुश्मन चाहता ही यही है कि मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को वरगलाओ। जब ये सड़कों पे आए, कानून को हाथ में ले, किसी घर पे पत्थर मारे, गाड़ियों पे पत्थर मारे, रास्ता चलने वालों को पीटे, तो ये हिंदुओं को बताएं देखो मुसलमान कैसे होते हैं, हमारा रहना तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए कितना जरूरी है, लिहाजा हमको वोट दो, हमको मत हराओ। यह है वो मंसूबा। क्यों? 8 साल से सेंट्रल के अंदर हुकूमत कर रही है बीजेपी, 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है, इनके पास कोई काम ऐसा नहीं है जो बताकर वोट मांग सके कि हमने ये काम किया है वोट दीजिए। ना इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने औरतों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने बूढ़ों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने सरकारी मुलाजिमीन के लिए कुछ किया, बल्कि 60-65 साल से जो पूंजी जमा की गई थी उसे बेच बेच के खा रहा है। हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम हजरात इसे समझ नहीं पा रहे हैं। यह तो ऐसे ही हुआ, किसी को दामाद बना लिया जाए और दामाद आपका दिया हुआ जहेज बेच बेच के घर चला रहा है, बजाय कमाकर हमारी बेटी को खिलाने के हमारा दिया हुआ जहेज बेच के खा रहा है और हमारी बेटी को खिला रहा है। यही सूरत हाल मोदी जी की है कि ये कुछ पैदा तो नहीं कर सके, कुछ बना तो नहीं सके, मुल्क को कोई तरक्की तो नहीं दे सके, लेकिन 60-65 साल से पिछले हुक्मरानों ने जो पूंजी जमा की थी अब वो बेच बेच के मुल्क चला रहे हैं। कौन सा तीर मार रहे हैं ये? इसको हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम भाई समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जहनों दिमाग पर, उनके जहनों दिमाग पर मजहब का नशा चढ़ा दिया गया, उनके जहनों दिमाग पर मजहब का नशा चढ़ा दिया गया। हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम भाई ये समझने तैयार नहीं है कि मजहबी लोग अलग होते हैं, सियासी लोग अलग होते हैं, दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर वाकई ये लोग मजहबी रहनुमा बनना चाहते हैं तो जाकर किसी मठ में बैठ जाए, वजारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ दे, मठ में बैठकर गैर मुस्लिम भाइयों में मजहबी जज्बा पैदा करे। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि सियासत को ये मजहबी रंग में रंग रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त जोश के साथ होश को संभाल कर रखने का है, होश को संभाल कर रखना है। जब कभी ऐसे वाकयात पेश आए तो अपनी जुबानों को गिरफ्त में रखो और उस पर आने वाले अल्फाज को तोल कर बोलो। वो कहते हैं ना, बेवकूफ का दिल मुंह में होता है,
अकल मंद की जुबान दिल में होती है, बेवकूफ का दिल मुंह में होता है, अकल मंद की जुबान दिल में होती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अल्फाज हमारे नौजवानों के लिए पैर की बेड़ी ना बन जाए, हाथ की हथकड़ी ना बन जाए। जोश काबिले तारीफ है, जज्बा सलाम करने के लायक है। हैदराबाद के नौजवानों ने एक तारीख बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमको पूरी मंसूबाबंदी से काम करना है। और इस तरह के वाकयात जब पेश आते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस तरह के वाकयात जब आते हैं तो हमको शख्सी तौर पर हमको इंफिरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर जाकर केस बुक करना चाहिए, ताकि कल मामला अदालत में जाए तो अदालत को बताया जा सके कि कितने लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, कितने लोगों का दिल दुखा है, कितने लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है, यह पता तो चले। हमारा पहला काम है कि हम इनके खिलाफ केस करें, मुकदमा दायर करें। जैसे कानून बनाया गया कि किसी ढेर को ढेर नहीं बोल सकते आप, चमार को चमार नहीं बोल सकते आप। कानून बनाया गया कि हमारी इज्जत नफ्स का मसला है कि हमारे बारे में यह लफ्ज नहीं बोले जा सकते। उन्होंने एहतजाज किया, कानून बनाया गया। तो ऐसे ही जब हमारी मजहबी शख्सियात को कोई आवारा सान बनकर तौहीन करता है, और यह सबसे बड़ा आवारा सान है हमारे हैदराबाद का, जिसने यह पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी किया था। कुछ दिन पहले ही इसने हजरत काजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ इसने बकवास की थी। अब फिर इस वक्त इसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को निशाना बनाया। तो हमारा जो काम है वो है कि इनके खिलाफ इंडिविजुअल मुकदमा दायर करें, हिंदुस्तानी लॉ और कानून के तहत में। यह हमारा काम है। और दूसरा ये कि एहतजाज जरूर हो, लेकिन एक बात याद रखो, एहतजाज में जब तशद्दुद आ जाता है, तशद्दुद आता है तो वो एहतजाज नाकाम होता है। तशद्दुद नहीं होना चाहिए। एहतजाज में जब तशद्दुद आता है तो न्यूट्रल जहन का जो हिंदू है, न्यूट्रल जहन का जो क्रिश्चियन है, न्यूट्रल जहन रखने वाला जो सिख है, वो भी आपके अगेंस्ट हो जाता है, वो अगेंस्ट हो जाएंगे। तशद्दुद नहीं, एहतजाज होना चाहिए, पुरजोर एहतजाज हो, लेकिन तशद्दुद नहीं, तशद्दुद नहीं। एहतजाज भी हो, कानून के दायरे में हो, दस्तूर के दायरे में हो। एहतजाज जरूर करें ऐसे मौकों के ऊपर, लेकिन वो हिंदुस्तानी लॉ और आईन के। क्यों? इसलिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क के दस्तूर और कानून में इस तरह की बहुत सी दफात हैं जिसके तहत हम इनको अदालत में घसीट सकते हैं, इनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ऐसे मौके के ऊपर हम जोश के साथ अपने होश को काबू में रखें, अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को काबू में रखें। आपने अगर नेशनल मीडिया देखा होगा तो उसी को बार बार दोहराया जा रहा है, उस सांड के बोले हुए अल्फाज को कोई नहीं दोहरा रहा है जिसके ऊपर 101 केसेस हैं। कमिश्नर का बयान आया है, प्रेस नोट जारी किया है कि इसके ऊपर 101 केसेस हैं जिसमें से 18 क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन उस बारे में नेशनल मीडिया कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा है। गुफ्तगू क्या हो रही है कि नारे लगाए गए सर तन से जुदा, ये कहां तक सही है? क्या इस्लाम, क्या हिंदुस्तान में शरिया का कानून चलेगा? लेकिन ये नारे हमारी जुबानों से निकले क्यों हैं? हमारे दिल के फफोले तुमने फोड़े हैं,
हमारे सीनों में आग तुमने लगाई है, हमारे जज्बात को भड़काया इन लोगों ने, लेकिन उन सबको फरामोश कर दिया। और इंडिया के, भारत के लोगों का जहन क्या बनाया जा रहा है कि हैदराबाद के मुसलमान नौजवानों ने इस तरह के नारे लगाए। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है वो बताने तैयार नहीं है। इसलिए नौजवानों, जोश होश के साथ होना है, जोश प्लानिंग के साथ हो, मंसूबाबंदी के साथ हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे हाथों के लिए बेड़ियां, तुम्हारे पैरों की जंजीर न बन जाए। और हम कभी इस मामले पर इस उम्मत ने रसूलुल्लाह की जात के बारे में न समझौता किया है न समझौता करेगी, कभी नहीं करेगी। लेकिन हमको पूरी होशमंदी के साथ इस मुल्क के दस्तूर और आईन और कानून का पासो लिहाज रखते हुए और उसमें दी हुई गुंजाइशों से फायदा उठाकर इनको जेल के सलाखों के पीछे फेंकना है। यह है हमारी कामयाबी। ये चाहते ये हैं, इनको भड़काओ, इनको वरगलाओ, इनको जोश दिलाओ, सड़कों पे लाओ। फलस्तीन में क्या हो रहा है 1947 से, यही हो रहा है कि वो मस्जिद अक्सा के बारे में कुछ कर देते हैं, वहां के नौजवान फलस्तीनी मुस्तैद होते हैं, सड़कों पे आते हैं, ये गोलियां चलाते हैं, फिर वहां के मुसलमानों को जनाजे उठाना पड़ता है। यही किया जा रहा है, यही प्लानिंग इस मुल्क में है। ये हमारे खून के प्यासे बने हुए हैं, लिहाजा हम इन्हें इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। उसके लिए होश के साथ काम करना है, जोश के साथ नहीं, प्लानिंग के साथ काम करना है, मंसूबाबंदी के साथ काम करना है। हमारे मुल्क में कानून है, जो भी कानून है अच्छा कानून है, उससे हम फायदा उठाएं। कानून के दायरे में इन्हें जेलों में फेंकें, इन्हें अदालतों में घसीटें, यह दानिशमंदी है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, हर ईमान वाले की हिफाजत फरमाए, और इस मुल्क में हमारे जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, और परवरदिगार आलम इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, उखुवत और मोहब्बत व भाईचारगी की हवाएं चलाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।